आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाया गया है। ईडी के अनुसार गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए भेजे गए थे। अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी थी। ये सारी बातें ईडी की ओर से दर्ज की गई। आम आदमी पार्टी को 12 जुलाई को समन भेजा गया। 12 जुलाई को आने के लिए समन भेजा गया। केजरीवाल ने गुमराह किया, यह भी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया। हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस खबर के मायने समझाएं। पूरी पार्टी को ही ये समन भेजा, उसे आरोपी बनाना। देखिए श्रोता पहले आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो गिरफ्तार हुए। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगे कि लीकर पॉलिसी स्कैम में उनका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन चार्जशीट में ईडी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। आम आदमी पार्टी चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 है और ईडी ने अपनी जांच में पाया और चार्जशीट में कि कैसे अपराध से अर्जित जो धन था वो आम आदमी पार्टी गोवा में ईडी ने कई अहम खुलासे हुए हैं। किरदार किया गया है जिसका नाम विनोद है और ये बताया गया है कि विनोद अरविंद, आवाज आपकी कट रही है, तब तक संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने का सीधा असर हम इस पूरे मामले में क्या दिख रहे हैं? आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने का सीधा असर यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों इसमें आरोपी हैं। उसका सीधा असर यह होगा कि इसमें जैसे ही संज्ञान लेकर इसका मामला शुरू होगा, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो अकाउंट है उसे सीज किया जा सकता है और जाहिर है कि सारे लेन देन पर निगाहदारी रहेगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये मुश्किलों की एक शुरुआत है। पहले आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि उनके साथ राजनीतिक वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदले की भावना से बीजेपी के इशारों पर, केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी काम कर रही है। और अब तो आरोप पत्र में सारी चीजें हैं। आरोप पत्र के बाद अब इस पर 12 जुलाई को संज्ञान लेना है। अरविंद केजरीवाल की 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी है कोर्ट में। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी इसमें मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी होने के बाद पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को सर्वाइव करना। और जनता के बीच जाहिर है कि बहुत एग्रेसिव ढंग से आम आदमी पार्टी जाएगी और इसका राजनीतिक असर भी होगा, क्योंकि अब इंडी गठबंधन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ खुलकर सड़कों पर भी नजर आए। तो यानी कुल मिलाकर दोनों ओर, यानी कानूनी मोर्चे पर भी और राजनीतिक मोर्चे पर भी, आम आदमी पार्टी को की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने अपनी 7वीं पूरक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल यानी 38 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी बतौर आरोपी इसमें दर्ज है, जिसमें ईडी ने यह कहा है कि जो विनोद चौहान है इस मामले में आरोपी, उसमें पहले तो ईडी ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंग पिन है यानी धुरी हैं। इन्हीं धुरी के चारों ओर पूरा मामला जाहिर होता है। विनोद चौहान ने 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के हाथों दिए थे और आरोपों के साथ इस्तेमाल सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का ये क्या असर हो सकता है, संजय शर्मा हमें बता रहे थे। संजय शर्मा और अरविंद ओझा, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।